नमस्कार, मैं वी कृष्णा घरेलू नुस्खे माँ के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दुबले पतले शरीर को तंदुरुस्त कैसे बनाया जाए, उसके लिए घरेलू ऐसे नुस्खे जिनके साथ आपका वेट भी बढ़ेगा, साथ के साथ आपको अंदरूनी ताकत भी मिलेगी। तो आज एक बहुत अच्छे से नुस्खे लेकर इसी विषय में मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आज बात कर रहे हैं वजन बढ़ाने की। यूं तो अति की हर चीज़ बुरी होती है, अगर बहुत अधिक वजन होता है तो भी परेशानी हो जाती है, और बहुत अधिक दुबलापन होता है तो भी परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर शारीरिक रूप से बच्चे या बड़े पतले तो हैं, लेकिन वो उन्हें कोई परेशानी नहीं है और वो फिजिकली फिट है, मतलब बहुत चुस्ती है उनके अंदर, फुर्ती है, वो सब काम कर लेते हैं, थकान नहीं होती, तब तो इतनी परेशानी की बात नहीं, फिर तो केवल आपको अपनी बॉडी बनानी है। लेकिन अगर शरीर के अंदर दुर्बलता है, कमजोरी है, जल्दी थक जाते हैं और कोई काम करने का मन नहीं करता है, या अपने आप में थोड़ा गिल्ट फील होता है कि हमारी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उसको डेवलप करने के लिए आज मैं बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे लेकर आपके बीच में, यानी कि बहुत पुराने नुस्खे जो हमारी मम्मी बच्चों को भी मतलब उसके लिए यूज़ करती थी। अगर आपको लगता है हमारा बच्चा कुछ भी खा ले उसके शरीर को लगता ही नहीं, और बड़े लोग भी बहुत बार कहते हैं कि हम डाइट तो खूब लेते हैं लेकिन हमारे शरीर को नहीं लगता, लगेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ना, एक तो अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए एक्सरसाइज भी, मतलब खाली मोटापे के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी होती, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए भी एक्सरसाइज करनी है। तो एक तो आप नियमित व्यायाम जरूर करें, आपको हाई कैलोरी डाइट लेनी है लेकिन फास्ट फूड नहीं लेना है। आप ऐसा कदापि ना सोचें कि जो बाहर की चीज़ें खा खा के लोग मोटे हो जाते हैं तो हम खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ना आप मोटे होंगे, बला इसके अलावा आपकी सारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा और कोई डाइजेस्ट भी नहीं होगा, और फिर आपकी रही सही सेहत भी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए फास्ट फूड से दूर रहें, हाई कैलोरी डाइट ले सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त मैं आपको नुस्खा बताती हूँ, दूध आप सब पीते हैं, दूध के अंदर शहद डालकर पीना शुरू कीजिए, वो बिल्कुल आसान है। मॉर्निंग में आप दूध के अंदर शहद डाल के पीजिए, वो आप अपनी डाइट में शामिल ही कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ताकत भी मिलेगी और आपका वेट भी गेन होगा। उसके अलावा आप बनाना शेक बनाकर पी सकते हैं। बनाना शेक से मतलब हो गया कि जैसे आपने एक केले को कट किया, उसके अंदर एक गिलास दूध डाला और मिक्सर में थोड़ा सा शुगर डाला और उसको खूब अच्छे से ग्राइंड करा, और उसके बाद आपने उसको पी लिया। वो एक हाई कैलोरी का मिल्क शेक है, जो आपको बनाना शेक मैंने बताया, उसके अंदर कैलोरी तो बहुत है ही है, उसके साथ साथ ना शरीर के अंदर ताकत देता है, कैल्शियम और प्रोटीन दोनों की कमी को पूरा करता है। यानी कि आपके आपकी तंदुरुस्ती भी बनेगी और साथ के साथ आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। इसके अलावा एक साधारण सा उपाय मैं आपके साथ शेयर करूं, शायद आपको पता ही नहीं होगा, किसी को भी शायद पता हो कि नहीं, कि हमारी माँ क्या क्या करती थी। पहले चावल छान के बनाते थे, समझ रहे हैं छानने का मतलब क्या है, कि चावल जैसे पकाए तो उसके बाद उन्हें छलनी में छानते थे, उसके नीचे उसका पानी निकलता था, जिसे कि हम लोग मांड बोलती थी हमारी मम्मी के, मांड है चावल का, गाढ़ा गाढ़ा होता था सफ़ेद, वैसे तो अपने आप में उसके अंदर मिठास होती है लेकिन फिर भी उसके अंदर गुड़, शक्कर या बूरा कुछ भी डाल के थोड़ा गुनगुना गुनगुना एक गिलास पीना शुरू करिए। आप ये देखेंगे कितनी स्पीड से वेट आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने चावल नहीं खाए लेकिन चावल के सारे तत्व आपके शरीर में चले गए। जिन लोगों का वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, जो थोड़े फैटी होते हैं, तो उनको हम सलाह देते हैं कि सबकी मांड निकला हुआ चावल खाओ, पानी निकला हुआ चावल खाओ, क्योंकि चावल फिर एक वो केवल भोजन रह जाएगा, आपका पेट भरने का साधन रह जाएगा, उसके अंदर वो चीज़ें नहीं रहेंगी जो पौष्टिक तत्व तो उसके अंदर होने चाहिए, छन जाते हैं, क्योंकि आपको वेट नहीं बढ़ने देना। लेकिन जिसको वेट बढ़ाना है वो उस मांड को पिए, गुनगुना गुनगुना, मतलब आप मेरी बात माने, वो टेस्टी लगता, हमने पिया हुआ है इसलिए बता रही हूँ, वो टेस्टी भी लगता है, तो आप उसको पी सकते हैं। उसके अलावा एक और ज़बरदस्त चीज़ बता रही हूँ, आप बनाकर उसे पी सकते हैं, थोड़े से काजू, आप थोड़े से काजू लीजिए और खजूर लीजिए, और अच्छे से काजू को तो थोड़ा सा दूध डाल के ना मिक्सी में पीस लीजिए, और खजूर को भी, खजूर तो घिस भी देंगे ना कद्दूकस में तो भी घिस जाती है, उसको आप दूध में उबालिए। काजू बहुत जल्दी वेट बढ़ाता है, हाई कैलोरी डाइट है काजू, और ताकत तो देता ही देता है। तो काजू और खजूर पीस कर दूध में डालकर रात को पीकर सोइए। अब इसके फायदे क्या होंगे,
इसके फायदे इतने सारे होंगे कि आपके शरीर मजबूत होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, जो आप खाओगे वो आपके शरीर को लगना शुरू होगा और आपका वेट बढ़ना शुरू होगा, प्लस आपकी ताकत बढ़नी शुरू होगी। ये इतने जबरदस्त नुस्खे हैं जो मैंने आपको बताया, इनमें से कुछ भी यूज करें, एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, सारे नहीं, जरूरत है करने की, एक या दो आप नुस्खे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे शहद पीना है तो आप दूध पीना चाहते हैं और आप बनाना शेक भी पीना चाहते हैं, तो आप दूध और बनाना का बनाना शेक बनाइए और उसमें 1 चम्मच शहद डाल लीजिए, सारा काम हो जाएगा, ताकत भी आएगी और आपका वेट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आप इन चीजों को कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे, जितना भी लगे कर लीजिएगा, ये नुस्खे बहुत काम के हैं और एकदम मैं आपको बताती हूँ रिजल्ट देते हैं ये नुस्खे, और ताकत भी देंगे, रिजल्ट भी देंगे, आपके चेहरे पर खुद पता चलेगा कि अरे वाह, अब तो थकान भी नहीं होती, अब तो कमजोरी भी नहीं लगती। अगर मदर को ये लगता है कि मेरा बच्चा नहीं ग्रो कर रहा है, पतला है, सबके बीच में स्टैंड करता हुआ अच्छा नहीं लगता है, तो आप उस बच्चे को भी ये चीजें देनी शुरू करो, आप देखेंगे बच्चा तंदुरुस्त होना शुरू हो गया, उसका मन हर चीज में लगेगा, खेलेगा, कूदेगा, पढ़ाई करेगा, उसकी एनर्जी लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ नुस्खा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मिलती हूँ एक और जबरदस्त नुस्खे के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे जरूरत है उसे शेयर कीजिए, और इसी तरह के तमाम घरेलू नुस्खे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।